नवरात्रि चल रहे हैं और इस नवरात्रि के पावन अवसर पर बस यही दुआ करती हूँ कि आप सब खुश रहें और जहाँ भी है सुरक्षित रहें। हमारे इस क्राइसिस के टाइम पे जब सब लोग घर पर हैं तो कुछ झटपट और टेस्टी का रेसिपी आज हम शेयर करती हूँ। व्रत का छीला का रेसिपी बहुत इजी है और बहुत सिंपल। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोस फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने कहा, ये व्रत का छीला है। नवरात्रि को ध्यान में रख के ये रेसिपी आप बना सकते हैं। तो साबूदाना को मैं आधा कप ली हूँ, धो ली हूँ एक दो पानी से अच्छे से, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के 2 घंटा के लिए भिगो के छोड़ दी हूँ। थोड़ा सा मतलब इतना डालें कि जस्ट साबूदाने के ऊपर पानी रहे। 2 घंटा भिगोने के बाद ऐसा अच्छे से खिल के आ जाएगा। उसके अलावा मैं उबले हुए आलू ली हूँ, एक बड़ा आलू को ली हूँ, छिल के अच्छे से रेत दी हूँ, ग्रेटर में ग्रेट कर दी हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी आता है। मसलना नहीं है, ग्रेट करना है। और यहाँ पे व्रत में जो यूज़ होता है मूंगफली, मैं अच्छे से भून के उसको ग्राइंड कर दी हूँ, 3 बड़े चम्मच होंगे। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। बेसिकली ये सब चीज़ों को डाल के हम एक छीला बनाएंगे। तो पहले मैं ग्राइंडर में साबूदाना को पीस लूँगी। बैच वाइज करेंगे अगर ज़्यादा आपके पास होगा तो थोड़ा सा पानी डाल के आधा कप के आसपास इसको हम अच्छे से स्मूथ ब्लेंड कर देंगे। ये जो व्रत का छीला है ना, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हो तो ये इस टाइम पे बहुत अच्छा नाश्ता भी हो सकता है। आप उसमें अपना मनपसंद वेजीज डाल सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं व्रत जो व्रत करते हैं उनको ध्यान में रख के ये रेसिपी बना रही हूँ। तो मेरा साबूदाना पीस गया है, तो एक बड़ा बाउल में मैं उबले हुए ग्रेटेड आलू ले ली हूँ। उसमें मैं अभी मूँगफली का जो पाउडर में हम बनाए थे वो डाल दूँगी, और उसमें अभी मैं जो साबूदाना का पेस्ट बनाए थे ना वो डाल दूँगी। अच्छे से पूरा फाइन पेस्ट कर लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी आता है पानी थोड़ा डाल के। तो आप देखिए, मैं उसको इसमें मिला ली हूँ। अब इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना, तो थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूँगी, ताकि जो बचा हुआ पेस्ट हो उसमें आराम से आ जाए। अब इसमें मैं 2 छोटे चम्मच दही डालूँगी, घर का दही है तो वो डालूँगी। उसके अलावा हरा मिर्च 2 को बारीक काट ली हूँ। हरा मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, और गोल मिर्च का पाउडर 1/2 छोटे चम्मच, फ्रेश कुटा हुआ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अदरक 1/2 छोटे चम्मच, अगर आप अवॉइड करते हैं व्रत के टाइम पे तो बिल्कुल ना डालें। और इसमें धनिया पत्ता कटा हुआ 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ, और कुटा हुआ लाल मिर्च 1/2 छोटी चम्मच या रेड चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और व्रत का नमक सेंधा नमक में यूज़ की हूँ। अगर आप नॉर्मल टाइम पे बना रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल सफ़ेद नमक आप डाल सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि जो कंसिस्टेंसी है वो सेमी थिक रहे, एकदम पतला नहीं और एकदम गाढ़ा नहीं। तो बस वैसे रखिए जैसे थोड़ा इस तरह का पोरिंग भी रहे और थोड़ा गाढ़ा भी रहे। तो उसके साथ हम बनाएंगे एक मूंगफली का चटनी, बिल्कुल जो व्रत के वक्त हम खा सकते हैं। 2 बड़े चम्मच में भुना हुआ मूंगफली ली हूँ, 1 हरा मिर्च ली हूँ, थोड़ी सी इमली मैं यहाँ पर ली हूँ, और जीरा ली हूँ, लगभग 1/2 छोटी चम्मच जीरा है, रॉ जीरा है, इसको मैं नहीं भुनी हूँ। और यहाँ पे छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा ली हूँ सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और थोड़ा पानी लूँगी इसको पीसने के लिए, और सेंधा नमक। तो सब चीज़ों को अच्छे से मैं एक पेस्ट बना दूँगी, चटनी पीसते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। अब ये बनाने का ये मकसद है कि क्या होता है ना, जैसे व्रत का खाना हम बना रहे हैं, एक चीज़ को अगर हम रिपीट करते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। कितना भी आप अच्छा कर लो, अगर थोड़ा सा टैंगीनेस रहेगा, खट्टी मीठी चटनी रहेगी, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। अब थोड़ा तड़का लगा देते हैं इसको। मैं 1 छोटा चम्मच घी ली हूँ, पैन जब गर्म हो जाएगा उसमें घी डाली हूँ। अब उसमें 2-3 करी पत्ता अपने हिसाब से लीजिएगा, कम ही चाहिए, 1 सूखा लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच राई और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। तो इसमें से अगर आप राई नहीं खाते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को हम, जब तेल गर्म हो जाएगा तो पहले सूखा मिर्च डालेंगे और बाकी सब चीज़ों को डाल के तड़का करेंगे। तो ये जो तड़का है ना, जब आपका तड़का बना लेंगे तो इसको इमीडिएट
जो मूंगफली का चटनी हम पीसे थे उसमें डालना है। ये बहुत अच्छा उसको टैंग देगा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हो गया ना चटपटा, तीखा, हल्का, गुड़ डाले हैं तो बैलेंस करेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है व्रत के छीले के साथ। तब तक जब चटनी बनाए तब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा था छीले का। तो चलिए अभी छीला बनाते हैं। एक पैन को मैं मीडियम फ्लेम पे गरम की हूँ, आधी छोटी चम्मच घी डाली हूँ, चाहे तो आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। डाल के इसको अच्छे से मैं चारों तरफ फैला लूँगी। फ्लेम मीडियम पे ही रखना है। और अब मैं एक छोटे वाला करछुल से पहले छोटा वाला एक बना के आपको दिखा रही हूँ छीला। एक बैटर पोर करके धीरे से चारों तरफ फैला लूँगी। अब इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि टोटल ये मीडियम फ्लेम पे पकेगा, पहला पॉइंट। किनारे से जब चाहें तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। और जब तक आपको किनारे ऐसा ना दिखे बिल्कुल करछी नहीं लगाना है। अगर आप करछी लगाएंगे तो छीले टूट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, तो और उसका टेस्ट भी बहुत अजीब आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है और ये छीले बहुत टेस्टी बनता है। और मान लीजिए आपके घर में बहुत जन व्रत कर रहे हैं तो छोटे छोटे छीला बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं देखिए आपको प्रैक्टिकली एक बड़ा भी बना के दिखाई हूँ जो काफ़ी एक रोटी के साइज़ का था। तो आप चाहो तो ये भी बना सकते हैं और ये भी उतने ही टेस्टी बनते हैं। बस टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा और इसको पलटते वक्त बस जब एक तरफ सिक जाए तब पलटिएगा। तो मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया। और छोटे वाले थोड़े खाने में कन्वीनियंट लगते हैं इसलिए मैंने पहले ये बनाया था, अब अपने हिसाब से बनाइएगा। तो चलिए अभी इसको सर्व करती हूँ मैं। देखिए उसको ऐसे फोल्ड करती हूँ जैसे हम लोग फोल्ड करते हैं ना ट्रायंगल शेप का, बिल्कुल वैसे फोल्ड करती हूँ ताकि प्रेजेंटेबल लगे। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस व्रत के छीले एकदम रेडी है। साथ में मैं चटनी रखी हूँ पीनट्स वाला, काफ़ी टेस्टी रहता है, काफ़ी अलग रहता है। और इसमें जैसे मैंने बोला आप चाहें तो वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। अगर किड्स हैं आप अपने लिए ये व्रत का छीला ऐसा बना लें और उसी बैटर में थोड़ा सा गाजर रेत के डाल सकते हैं और थोड़ा सा चाहें तो कैप्सिकम डाल सकते हैं एकदम बारीक रेत के। तो बच्चों के लिए भी न्यूट्रिशियस हो जाएगा और एक ही बैटर से फैमिली पूरे खा सकते हैं। तो जैसे आपका सहूलियत है आप वैसे बनाइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो जब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।